नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और यहां पर ये खबर सामने आई थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो यजमान बनेंगे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। बताते चले आपको कि यहाँ पर लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी एक शादीशुदा व्यक्ति हैं तो वो अकेले यजमान क्यों बनेंगे, जब दोनों के बीच में यहाँ कोई तलाक की खबर भी सामने नहीं आई थी। तो यहाँ पर क्या दोनों को नहीं बैठना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बीबी को एक बार याद नहीं करना चाहिए? बताते चले आपको कि जसोदा बहन अपना हक चाहती थी, वे प्रधानमंत्री की पत्नी है पर स्कूटर रिक्शा में घूम रही हैं, दर दर भटक रही हैं। वे अपनी सुरक्षा के संदर्भ में RTI लगाती हैं जिसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। उधर प्रधानमंत्री महलों में रह रहे हैं, 8,800 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को सपत्नीक प्रदान प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, पर ऐसा होगा क्यों? इसी बीच आपको बता दें कि अब शंकराचार्य ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पत्नी को एक बार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर न्योता भिजवाना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि उनकी पत्नी इस न्योते को स्वीकार करती हैं या नहीं करती। लेकिन जसोदा बहन एक वक्त पर अपना हक चाहती थी। बता दें कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने हर चीज किसी भी आलिशान चीज में कमी नहीं रख रहे, तो दूसरी तरफ यहाँ यशोदा बहन एक आम जिंदगी की तरह, आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। यहाँ पर दर दर भटकती नजर आती थी एक वक्त, अब तो उनकी उम्र भी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री मोदी को पत्नी को बीच रहा पर छोड़ देना, वाकई में यहाँ पर देखना ये सोचने वाली बात है? एक बार अपनी पत्नी को न्योता भेजने की जरूरत है, क्या मानना है आपका? इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।